हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। मैं हूँ फ़ायका हसन और आज है ईद सीरीज़ वीडियो का सेकंड लास्ट पार्ट। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ लास्ट पार्ट शेयर करूँगी इस सीरीज़ का, जो हिजाब से रिलेटेड होगा। हिजाब स्टाइल्स मैंने कुछ उसमें करके दिखाए हैं जो आप आराम से ईद पर कर सकते हैं, और वो वीडियो मेरे लिए अपलोड करना ज़रूरी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिल्म की हुई है। उसी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मेकअप ट्यूटोरियल भी करके दिखाएँ ईद के लिए, जो हम आराम से ईद पर कर सकें, सिंपल भी हो, ग्लोई भी हो और ईजी भी हो। तो अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करूं क्योंकि ऑलमोस्ट ईद आ चुकी है, बट फेशियल की रिक्वेस्ट ज़्यादा थी तो मैंने सोचा मैं फेशियल की वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करूं। बाकी मेकअप ट्यूटोरियल अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके इंस्टाग्राम चेक करें मेरा, वहाँ पे आपको बेशुमार मेकअप ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। टीनेजर मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप विदाउट फाउंडेशन, ईजी मेकअप, ग्लोई मेकअप, स्वेट प्रूफ मेकअप, डिफरेंट वराइटीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी जो मैंने रमज़ान में पोस्ट किए हैं ख़ास ईद के लिए। तो आप वहाँ जाके देख लें, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसमें मैं आपको एक फेशियल करके दिखाऊंगी। 4 स्टेप का फेशियल होगा जो आप आराम से कर सकते हैं, आज ही कर लें ताकि ईद पे बेहतरीन आपको रिजल्ट मिले। आज नहीं करना तो चांद रात पे तो लाजमी करिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पेडीक्योर भी शेयर किया था और उसके मुझे अभी से फीडबैक आना स्टार्ट हो गए हैं कि बहुत अच्छा फीडबैक पेडीक्योर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आप भी ज़रूर करिएगा घर में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा। अब बहरहाल आज की वीडियो में मैं आपको एक फेशियल बताऊंगी फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बेहतरीन ये फेशियल है जो आप आराम से घर में कर सकती हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ऑलराइट गाइस, तो इस फेशियल के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग बनाने के लिए, क्लेंजर बनाने के लिए आपने लेना है 1 टीस्पून मसूर दाल का पाउडर, जो आप घर में आराम से बना सकते हैं। मसूर की दाल हर घर में अवेलेबल होती है। आपने इसको अच्छे से पाउडर बनाना है, देन आप छान लें ताकि उसका एक फ़ाइन पाउडर बन जाए। देन आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऐड करना है ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि ऑरेंज के छिलके का पाउडर। चाहे तो आप घर में बना लें या फिर मार्केट से ले लें। और साथ में 1/2 टीस्पून ही आपने ऐड करना है मुलैठी का पाउडर। मुलैठी का पाउडर आपको आराम से ग्रॉसरी स्टोर या पंसारे की शॉप से मिल जाएगा, नहीं तो जो मुलैठी की साबुत लकड़ियाँ आती हैं आप उसका भी पाउडर बना सकती हैं। रोज़ वाटर ऐड करना है आपने अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर ड्राई है तो आपने इसके अंदर मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करके इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। यह आपका ज़बरदस्त सा क्लेंज़र हो गया रेडी। यह इनफ है आपके फेस और नेक के लिए। आपने पहले ओवरऑल फेस पे इसको अप्लाई करना है, देन आपने अच्छे से अपनी स्किन को 5 मिनट तक के लिए क्लेंस करना है। हल्के हाथ से सर्क्यूलर मोशन में बिल्कुल लाइट हैंड के साथ आपने अपनी स्किन को क्लेंस करना है। नेक को मत भूलिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी आपने अपनी फिंगर्स पे लेना है ताकि आपका हाथ ड्राई ना हो, और अपनी स्किन को आपने क्लेंस करना है अच्छे से, स्पेशली जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्किन डीप क्लेंस होगी, आपकी स्किन ब्राइटन अप होगी। इसके अंदर विटामिन सी है ऑरेंज पील पाउडर की सूरत में, तो आपकी स्किन को ब्राइट करेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस क्लेंज़र के। अच्छे से 5 मिनट तक आपने अपने फेस को क्लेंस करना है बहुत ही लाइट हैंड के साथ। नोज़ को, नेक को, हर पॉइंट को आपने क्लेंस करना है। देन ठंडे पानी के साथ आप फेस वॉश कर लें। सेकेंड स्टेप में हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए 1 ग्रीन टी का बैग, कोई भी कंपनी का ले लें। ग्रीन टी लेके आप इसको थोड़ा सा पाउडर बना लें क्योंकि ये थोड़ी सी हार्श होती है स्किन के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसके मोटे मोटे से दाने आपके स्क्रब में ज़्यादा नहीं आने चाहिए। आप इसको थोड़ा सा पाउडर कर लें, स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो आप इसको पाउडर बना लें। देन आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून या थोड़ा सा उससे कम अंदर इसके ऐड करना है सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन का पाउडर। थर्ड इंग्रेडिएंट आपने ऐड करना है हनी। अगर आपकी स्किन ड्राई है, एक्नी प्रोन है या सेंसिटिव है तो आपने हनी 1 टीस्पून ऐड करना है। बाकी आपने इसके अंदर 2 टीस्पून ऐड करनी है योगर्ट, लाजमी ऐड करनी है योगर्ट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव और ड्राई या एक्नी प्रोन है। मैंने जस्ट हनी ऐड किया है। इसको लेके आप अच्छे से फेस पे अप्लाई करें और 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने अपनी स्किन को अच्छे से स्क्रब करना है, ठीक है। स्पेशली जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वहाँ पे मेरे नोज़ पे नॉर्मली ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं, तो मैं उस पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा
क्लेंस कर रही थी, स्क्रबिंग कर रही थी। हाथ का प्रेशर बिल्कुल लाइट रखिएगा, हल्के हल्के हाथ से पानी ले लेके अपनी स्किन को, अपने फेस को, नेक को 2 से 3 मिनट के लिए आपने स्क्रब करना है। ये स्टेप आप स्टीम के बाद भी कर सकते हैं, स्टीम से पहले भी कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो आप क्लेंजिंग के बाद पहले स्टीम लें, देन आप स्क्रबिंग करें। अच्छे से 2 से 3 मिनट आपने स्क्रब करना है फेस को, उससे ज़्यादा नहीं करना। अगेन, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो आपने इस स्क्रब के अंदर दही लाजमी ऐड करनी है, अदरवाइज़ आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। ग्रीन टी के अंदर होती हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, ये आपकी स्किन को काफ़ी हद तक पिगमेंटेशन वगैरह को रिड्यूस करता है। देन हम आ जाते हैं 4th स्टेप की तरफ, जो है स्टीम। स्टीम भी आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। आपने गर्म पानी लेना है, फेस के ऊपर आप टॉवल डाल दिएगा ताकि अच्छे से आपकी फेस जो है स्टीम ले सके। मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने फेस पे कोई तौलिया नहीं डाला। आपने 5 मिनट तक स्टीम लेनी है ताकि आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाए। देन आप जब मास्क अपने फेस पे लगाएं तो वो अच्छा सा आपको ग्लो दे। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं तो आप पहले स्टीम करें, देन स्क्रब। लास्ट स्टेप में आपने बनाना है मास्क, जिसमें आपने लेना है 1/2 टेबल स्पून बेसन। बेसन के अंदर आपने ऐड करना है अराउंड 1/2 टेबल स्पून ही हिबिस्कस पाउडर। ये अगर नहीं है तो आप गुलाब की पत्तियों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि रोज़ पेटल्स पाउडर। दोनों में से जो भी अवेलेबल है आप डाल दें। दोनों ही आपको पंसारी की शॉप पे या ग्रॉसरी स्टोर वगैरह पे मिल जाएंगे, डिफरेंट कंपनीज के ये आते हैं। 1 टीस्पून इसमें एलोवेरा जेल आपने ऐड करना है, चाहे तो फ्रेश ले लें चाहे मार्केट का ले लें। और आपने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करनी है दही, क्योंकि स्टीम करने के बाद हमारे फेस के पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो आप इसके ऊपर जब मास्क लगाएंगे तो आपके जो पोर्स हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएंगे और आपके पोर्स में जो भी डर्ट होती है, ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं, वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो आराम से रिमूव हो जाते हैं। अगर आपको ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स रिमूव करना है पिन के साथ, तो स्टीम के बाद आप अपना वो वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं करना था, मैं जो है पिन के साथ ब्लैक हेड्स नहीं निकालती क्योंकि उससे निशान हो जाते हैं। बट अगर आप निकालती हैं तो आप कर सकती हैं, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करती। बट मास्क आपने लाजमी लगाना है फेस को स्टीम देने के बाद, पूरे फेस पे लगाएं अच्छे से, नेक को मत भूलिएगा। इसके अंदर दही है तो बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन को एकदम से ठंडक दे देगा। और हिबिस्कस पाउडर स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, स्किन को इवन करता है। ग्राम फ्लोर आपकी स्किन के जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है आपके फेस पे उसको जो है कम करता है। या आप स्किन पे ग्लो देख सकते हैं। फेस को आपने वॉश करना है ठंडे पानी के साथ मास्क लगाने के बाद। सिंपल 4 स्टेप्स हैं जो आप आराम से चांद रात पे कर सकते हैं। ईद के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। ये थे 4 स्टेप्स इस फेशियल के, सिंपल और बेसिक, आप आराम से कर सकते हैं। अगेन, मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलती हूँ और आपको दोबारा बोलूँगी, हर स्टेप फॉलो करने से पहले आप क्लेंजर फेस पे लगाएं, स्क्रब फेस पे लगाएं या फिर मास्क, तीनों चीज़ों को फेस पे, पूरे फेस पे लगाने से पहले आप अपने फेस पे पैच टेस्ट ज़रूर करिएगा। पैच टेस्ट मतलब कि फेस के एक साइड पे आप लगा के छोड़ दें कुछ देर के लिए, देखेंगे किसी तरह का आपको रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सी लड़कियों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और उनको पता ही नहीं होता कि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई इन्ग्रीडियंट आपकी स्किन पर रिएक्ट करे और आपकी ईद ख़राब हो जाए। तो इसलिए हमेशा सेफ साइड पर आप अपने फेस पर जो भी चीज़ लगाती हैं, जो भी, सिर्फ फेशियल या मैं जो रेमेडीज़ बताती हूँ वो ही नहीं, आप कोई बाजार की कोई क्रीम लगाती हैं, किसी और की वीडियोस देख के कुछ चीज़ फॉलो करती हैं, हमेशा पैच टेस्ट लाजमी किया करें, क्योंकि हो सकता है आपको पता ना हो लेकिन आपकी स्किन सेंसिटिव हो। बहरहाल, आपने पैच टेस्ट करना है। अगर आपको किसी तरह का रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रहा तो आप कंटिन्यू करें, क्लेंजिंग करें अच्छे से, देन आपने स्क्रबिंग करनी है, स्क्रबिंग के बाद स्टीम, देन आपने अप्लाई करना है मास्क और उसके बाद आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपकी रिक्वेस्ट पर मैं ये लेकर आई हूँ वीडियो। हालांकि मेरा इरादा थोड़ा सा डगमगा रहा था कि फेशियल वाली वीडियो ड्रॉप कर देती हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद। और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है और कोई भी चीज़ में कंफ्यूजन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।